बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता बैठक होना सुनिश्चित हुआ है। इस बैठक में कई विपक्षी दल के अगुवा शामिल होंगे। मुख्य रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एनसीपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, इसके साथ ही कई अन्य विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल होंगे। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे तो एक ही मंच पर जेएमएम, जदयू और राजद नजर आए। लेकिन उस मंच से अफसोस की बात है कि कांग्रेस नदारद रही। अब इससे साफ पता चलता है कि अब भी विपक्षी एकता के नाम पर झारखंड में सहमति नहीं बनी है। ये बेचैनी विपक्षी एकता की जहां बात हो रही है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट और बेचैनी समा चुकी है। इसलिए कि अपने समय में तो 43 राजनीतिक दलों के साथ इन लोगों ने गठजोड़ किया था। अंतोगत्वा परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिवादी पद्धति और प्रक्रिया के कारण तमाम घटक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुकी है। तो जो लोग इनके साथ थे वही लोग इनका परित्याग कर दिए, तो ये बेचैनी है इनमें और ये छटपटाहट है। और हमें लगता है कि रहना भी चाहिए, डर बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा में डर नहीं बना रहेगा तो ये देश को और अधिक बेचने का काम करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे तब भी कांग्रेस नदारद ही रही थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हमेशा ही बड़े भाई की भूमिका निभाती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या रुख रहता है। झारखंड में महागठबंधन के तीनों दल इस बार आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर अपने अपने दावे लेकिन जरूर कर रहे हैं। जो देश के असल मुद्दों से जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को भटकाना चाहती है, उन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे राज्य और उसके बाहर भी तमाम जितने पार्टी बैठकर उन मुद्दों पर डिस्कशन कर रही है। और आगे भी जिस तरह से जो आपने कहा कि बैठक होने वाली है उसमें किन किन कौन कौन जाएंगे वो जल्दी ही आप लोग को भी पता चल जाएगी। देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि अगर कई पार्टी जब भी अगर टेबल पे बैठते हैं और उस पर जो भी निर्णय होना है उसको लेकर के अभी जो भी आप बातें कर रहे हैं वो अभी से आप लोग जो अनुमान और कोशिश कर रहे हैं वो बहुत पहले हो रहा है। अभी जो बात चलेंगी उसके बाद जब भी कुछ अगर निर्णय होगा वो आप लोग के समक्ष भी आ जाएगा। देखिए, ये विपक्षी एकता का बैठक नहीं है, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों की एकता बैठक है। चूँकि आदरणीय मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और जो खाया है उसको भी निकलवाऊंगा, तो स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे लोग बिलबिला गए हैं और इसी बिलबिलाहट में इस तरह की विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं। 2019 में भी इन्होंने कम कोशिश नहीं किया था, लेकिन हुआ क्या, हुआ यही हुआ कि आज के दिन ये सारे के सारे लोगों का जो कवायद था वो धराशायी हो गया। 2024 में भी इनकी कवायद धराशायी हो जाएगी। बहरहाल सब कुछ समय आने पर ही साफ होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर विपक्षी एकता सफल होती है तो झारखंड में चार पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, जेएमएम, राजद, कांग्रेस और जदयू। अब किसे कितनी सीट मिलती है यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल कांग्रेस भले ही मंच से गायब रही हो, लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है तो विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस का यही कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता मील का पत्थर साबित होगा। ये बेचैनी क्यों है उनमें कि चेहरा कौन होगा, ये हम लोग तय कर लेंगे।
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। कौन चेहरा होगा ये गठबंधन में बातें सामने आ जाएगी, और जब आएगी तो उनको भी पता चल जाएगा। हमें लगता है कि अभी तो जो मुद्दे हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, महिलाओं का उत्पीड़न, इन मुद्दों पर भाजपा के लोगों को बात करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेके विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक पटना में होना सुनिश्चित हुआ है। बैठक नीतीश कुमार के अध्यक्षता में होंगे और बैठक में कई विपक्ष के लोग शामिल होंगे, लेकिन देखना होगा कि इस बैठक से क्या विपक्ष मजबूत होता है या चुनाव से पहले ही बिखर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। टफन XT600 HCR TMT रीवा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।